नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फोर्ड की एस्पायर के साथ में स्कोडा की रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं, जिसे हाल ही में स्कोडा ने लॉन्च किया है। दोस्तों यहाँ पर फोर्ड की एस्पायर के पेट्रोल टॉप एंड मैनुअल वेरियंट के साथ में हम स्कोडा की रैपिड के बेस वेरियंट को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है, ये आपको मालूम ही है, लेकिन जब स्कोडा रैपिड की कीमत आप सुनेंगे और इसकी खूबियाँ आप अगर जानेंगे तो फिर आपके लिए दोनों गाड़ी में से कोई एक गाड़ी चुनना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। दोस्तों रैपिड अपनी कीमत के दम पर एस्पायर के साथ साथ मारुति की डिज़ायर, ह्युंडई की ऑरा और होंडा की अमेज को ऑलरेडी चुनौती दे चुकी है। स्कोडा रैपिड का मारुति की डिज़ायर, ह्युंडई की ऑरा और होंडा की अमेज के साथ में कंपैरिजन का वीडियो मैं आप सभी के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियो का लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं एस्पायर के बारे में। ये कंपैरिजन देखने के बाद में आपको ये कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान की सेगमेंट में एस्पायर एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो रैपिड को हर सेक्शन में एक बेहद ही कड़ा मुकाबला यानी कि टक्कर देती है, और ये प्राइस के मामले में रैपिड से सस्ती भी है इन कंपैरिजन टू ऑल 3 अदर कार, जैसे कि मारुति डिज़ायर, ह्युंडई की ऑरा और होंडा की अमेज। तो हमेशा की तरह दोस्तों इस वीडियो को भी हमारे साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर सेक्शन के ख़त्म होते होते मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर क्लियर करता हूँ, और इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले मैं दोनों गाड़ियों का प्राइस यानी कि प्राइस या फिर उसमें कोई प्राइस डिफरेंस है या गैप है तो वो आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आप एक सही फैसला ले पाएंगे कि आपको स्कोडा की रैपिड लेनी है या फिर होंडा की अमेज या फिर मारुति की डिज़ायर या फिर फोर्ड की एस्पायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये लगता है कि आज के इस वीडियो में एस्पायर स्कोडा की रैपिड से बेहतर कार साबित हो पाती है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। क्या आपको ऐसे लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में अगर कोई प्राइस गैप है तो वो आपको स्कोडा की रैपिड लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या आपको ऐसे लगता है कि फोर्ड की एस्पायर रैपिड से ज़्यादा बेहतरीन कार है, या फिर स्कोडा की रैपिड एक प्रीमियम ब्रांड की प्रीमियम कार है जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट यहाँ पर आपके लिए साबित हो सकती है? इस बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी राय जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विड्थ के मामले में एस्पायर रैपिड से मात्र 5 mm बड़ी है और हाइट के मामले में 59 mm बड़ी है दोस्तों। वहीं रैपिड एस्पायर से लेंथ के मामले में 418 mm और व्हील बेस के मामले में 62 mm ज़्यादा बड़ी है। ये आंकड़े बाकी तीनों गाड़ियों के मुकाबले में काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर रैपिड एक बेहतर कार साबित होती है। लेकिन सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट में केवल एस्पायर एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो रैपिड को हर एक सेक्शन में एक बेहतरीन कड़ा मुकाबला और टक्कर देने की काबिलियत रखती है, ऑलरेडी दे पा रही है। इस कंपैरिजन के आंकड़े जो आगे चल के आपके सामने आएंगे वो आपको ये कहानी खुद ब खुद बयान कर देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो एस्पायर में आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा यानी कि 96 पीएस की पावर जनरेट करता है 6500 आरपीएम पर, और 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4250 आरपीएम पर। वहीं रैपिड में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 110 पीएस की पावर जनरेट करता है 5250 आरपीएम पर, और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा 1750 से लेकर 4000 आरपीएम पर। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों यहां पर कि रैपिड क्लियर विनर साबित होती है, क्योंकि एस्पायर का इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है स्कोडा की रैपिड से कम पावर और कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम इसको कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों कि एस्पायर का इंजन अपने सब 4 मीटर सेगमेंट का सबसे बेहतरीन पावर आउटपुट देने वाला और बेहतरीन रिफाइनमेंट वाला इंजन है। अब देखते हैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है।
तो एक नजर कर्व वेट पर भी डाल लेते हैं, जिसे जानकर आपको एक बेसिक सा अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा मजबूत है, जो आपको ज्यादा सेफ रख पाएगी। जहां तक एस्पायर की बात है दोस्तों, इसका वजन है 1016 किलोग्राम से लेकर 1044 किलोग्राम तक। वहीं रैपिड का वजन है दोस्तों 1112 किलोग्राम से लेकर 1138 किलोग्राम तक। अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यहां पर भी रैपिड डेफिनेटली बाजी मार ले जाती है, क्योंकि रैपिड एस्पायर से वजन के मामले में लगभग 94 किलोग्राम से लेकर 96 किलोग्राम तक ज्यादा भारी है, जो कि एस्पायर की सेगमेंट का सबसे लोएस्ट है। यकीन नहीं आता तो मेरे पिछले तीनों वीडियो देख लीजिए, आपको डिजायर का वजन कंपेयर कर लीजिए, ऑरा का वजन कंपेयर कर लीजिए, होंडा अमेज का वजन कंपेयर कर लीजिए। इन तीनों गाड़ियों के मुकाबले में एस्पायर का वजन कहीं ज्यादा है, और एस्पायर और रैपिड के वजन में जो गैप है वो यहाँ पर बहुत ही कम है दोस्तों। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता है तो मेरे चैनल पर बेस्ट बाय कंपैरिजन प्लेलिस्ट में जाकर रैपिड का मारुति, डिजायर ह्युंडई की ऑरा और होंडा की अमेज के साथ का कंपैरिजन वाला वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो रैपिड में जहाँ पर आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं एस्पायर आपको 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, जो कि रैपिड से मात्र 6 mm ज़्यादा है। तो यहाँ पर मामला में लगभग बराबरी का कंसिडर करूँगा दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टर्निंग रेडियस पर, इस पर एक बार गौर कर लेते हैं। तो जहां पर रैपिड में आपको मिलता है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं एस्पायर का टर्निंग रेडियस आपको 4.9 मीटर मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर एस्पायर स्लाइटली आगे निकल जाती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर एस्पायर में आपको मात्र 42 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वही स्कोडा की रैपिड आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर करती है। और हमेशा की तरह जब फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जहां तक एस्पायर की बात है, उसमें आपको मिलता है लगभग 18.5 KMPL का माइलेज, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको 19 KMPL का माइलेज मिलता है। तो यहां पर मामला लगभग बराबरी का है, रैपिड यहां पर जीत गई है, क्योंकि ज़्यादा वजन, ज़्यादा पावर आउटपुट, ज़्यादा टॉर्क, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी रैपिड एस्पायर से स्लाइटली बेटर माइलेज आपको यहां पर ऑफर कर पा रही है। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में दोनों गाड़ियों में। तो एस्पायर में आपको मिलता है मात्र 359 लीटर का बूट स्पेस, वहीं रैपिड में आपको मिलेगा 460 लीटर का बूट स्पेस। ऑफकोर्स दोस्तों, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लेंथ और व्हील बेस दोनों ही बड़ा होने की वजह से रैपिड आपको 101 लीटर का ज्यादा बूट स्पेस यहां पर ऑफर कर पाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉय या फिर व्हील्स के बारे में बात करते हैं। अलॉयस के बारे में, जहां पर एस्पायर आपको टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करती हैं, वही रैपिड आपको मात्र 15 इंचेस के स्टील रिम्स ऑफर करेगी, अलॉन्ग विथ उसके ऊपर कुछ व्हील कवर जैसी चीज आपको मिल जाएगी। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यहां तक लगभग हर एक सेक्शन में एस्पायर ने काफी अच्छी और कड़ी टक्कर दी है। आपको क्या लगता है कि इस वीडियो में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार होता है। इसके अलावा अगर हम दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि दोनों गाड़ियों में हमें कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर आपको दोनों गाड़ियाँ ऑफर कर देती हैं। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री का फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर आपको मिल जाएगा। चारों के चारों पावर विंडोज आपको दोनों गाड़ियां ऑफर कर देती हैं दोस्तों। सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियों में आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS प्लस EBD मिल जाएगा और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं एस्पायर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स आपको स्कोडा की रैपिड में नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है ये लिस्ट लंबी हो सकती है, क्योंकि ये एस्पायर का टॉप एंड वेरिएंट है। शुरुआत करेंगे पहले फीचर से, जो कि आपको मिलता है डे नाइट IRVMs, साथ में आपको मिलेंगे फ्रंट फॉग लैंप्स, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर आपको मिल जाता है, रियर व्यू कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो फोल्ड ORVMs आपको देखने को मिल जाएंगे, 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाएंगे, व्हीकल कनेक्टिविटी सिस्टम आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद द स्मार्टफोन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहां पर आपको मिल जाता है, 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद ऑल द बेसिक्स नेसेसरी फीचर्स, जैसे कि AM, FM, USB, ऑक्सिन, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार कनेक्टिविटी और जैसे बाकी सारे फीचर्स वगैरह वगैरह।
इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर एस्पायर आपको ऑफर करती है, दैट एस्पायर कम्स विथ 6 एयरबैग्स दोस्तों। एस्पायर का ये जो टिटानियम प्लस टॉप एंड वेरिएंट है, जिसे हम स्कोडा की रैपिड के बेस वेरिएंट के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ये रैपिड से लगभग 5,000 रुपये सस्ता आता है दोस्तों। उसके बावजूद भी ये गाड़ी आपको सबसे बेस्ट यानी कि 6 एयरबैग के साथ में आती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको फोर्ड की एस्पायर में नहीं मिलेंगे दोस्तों। बावजूद इसके कि स्कोडा की रैपिड का बेस वेरिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं, इस गाड़ी में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बेस वेरिएंट से ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग का फीचर मिल जाता है। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज आपको मिल जाएगा, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको मिल जाएगा, स्टेनलेस स्टील कप प्लेट्स मिल जाएगी जिस पर रैपिड की ब्रांडिंग होगी दोस्तों, डस्ट एंड पोलन फिल्टर्स आपको रैपिड में मिल जाएंगे, डेड पेडल फुटरेस्ट मिल जाएगा ड्राइवर के लिए, रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं और स्लाइटली बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन रैपिड का वजन यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड कि रैपिड की बिल्ड क्वालिटी इज स्लाइटली ऑन द लिटर हायर एज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहाँ पर फोर्ड की एस्पायर में आपको मिलता है 5 साल या फिर 100,000 किलोमीटर तक की वारंटी, वहीं स्कोडा की रैपिड में आपको मिलती है 4 साल या फिर 100,000 किलोमीटर तक की वारंटी। साथ में आपको 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगा और 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक 4 लेबर फ्री सर्विसेज आपको मिल जाएंगी एट द इंटरवल ऑफ 15,000 किलोमीटर या फिर वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर रैपिड का जो वारंटी ऑफर है वो मेरे हिसाब से स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू फोर्ड की एस्पायर। चलिए आगे मुड़ते हैं और इस वीडियो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि है दोनों गाड़ियों का प्राइस सेक्शन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जो भी प्राइसेस मैं यहां पर कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो जहां तक एस्पायर की बात है, 1.2 लीटर पेट्रोल टिटेनियम प्लस वेरियंट मैनुअल में आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 7,44,000 रुपीज़ का, जो कि रैपिड से 5,000 रुपये सस्ता है दोस्तों। वहीं रैपिड का पेट्रोल राइडर बेस वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मैनुअल में आपको मिलता है 7,49,000 रुपीज़ का, जो कि एस्पायर से 5,000 रुपये महंगा है। अब ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर एस्पायर और रैपिड दोनों ही गाड़ियाँ हमें बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेटर प्राइस, बेटर सेफ्टी, बेटर स्पेस, बेटर इंजन पावर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस, बेटर रिफाइनमेंट, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, बेटर कंफर्ट, बेटर फिट एंड फिनिश और बेटर वारंटी ऑफर के साथ में आती है कंपेयर टू दी सेगमेंट। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर हैं। आप एस्पायर ले सकते हैं अगर आपको 6 एयरबैग और लो मेंटेनेंस वाली एक कार चाहिए तो, या फिर आप रैपिड ले सकते हैं अगर आपको एक प्रीमियम ब्रांड की एक प्रीमियम कार आप लेना चाहते हैं जो कि स्पेशियस हो, और बड़ी गाड़ी अगर आप चाहते हैं तो। अब ये आपको तय करना है दोस्तों कि आप रैपिड लेना चाहते हैं या फिर एस्पायर। आपने क्या चुना, आपकी इस राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है, जिसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि आज की इस फाइट में दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जीती, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह दोस्तों, जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।